अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार किस्म की फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो सबसे पहले हम लोगों के पास इधर मौजूद है फ़िश। ये हम लोगों ने इधर ली है 1.5 किलो। सबसे पहले हम लोग फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको इधर शामिल कर लेंगे। फ़िश डालने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने लिया है 2 टेबल स्पून्स। इसके बाद हमारे पास मौजूद है 2 टेबल स्पून्स हरी मिर्च का पेस्ट। एक अदद लीमू का रस, लीमू के आप लोगों ने बीज निकाल लेने हैं। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप लोगों ने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी पहले फ़िश में नमक लगा होता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। मसाले शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि सारा मसाला सब पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। इसको मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसको ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम इधर एक दूसरा बाउल ले लेंगे। इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे 4 to 5 टेबल स्पून्स बेसन के। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दादर मिर्चें, 1 चुटकी हल्दी का। हल्दी से आपकी फ़िश को बहुत प्यारा कलर मिलेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, और लास्ट पे हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून सूखी मेथी। सूखी मेथी आपकी फ़िश को एक बहुत ही अच्छी खुशबू देती है। इसको मिक्स करने के बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को आप लोगों ने ज़्यादा पतला नहीं करना, इसीलिए आप लोगों ने ग्रेजुअली इसमें पानी शामिल करना है। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इतना थिक आप लोगों का पेस्ट होना चाहिए। अब हम लोग अपने इस पेस्ट को अपनी जो फ़िश हम लोगों ने मैरिनेट होने के लिए रखी हुई थी उसमें शामिल कर लेंगे। इसको शामिल करने के बाद हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारे पीसीस के ऊपर लग जाए। जी तो ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग इसको 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तो 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम लोगों ने इधर कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल इधर हमारे पास गरम हो चुका है। आप लोगों ने जो आंच है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, आपने इसको मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। आंच आप इसकी तेज़ करेंगे तो वो जल्दी काली होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें हम फिश शामिल कर लेंगे और 5 मिनट तक इसको हम लोग फ्राई होने देंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसका लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे सब पीसीस की, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए।
तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फ़िश जो है वो दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम लोग इसको स्टेन कर लेंगे और इसको ऑयल से निकाल लेंगे। तो आप ये हमारे फ़िश की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, ये कितनी मज़ेदार और क्रिस्पी लग रही है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।